इस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। हिरन की रफ्तार तकरीबन 90 किलोमीटर पर हावर होती है और शेर की रफ्तार तकरीबन 58 किलोमीटर पर हावर होती है, फिर भी हिरन शेर का शिकार हो जाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है कि हिरन को लगता है कि वो शेर से कमज़ोर है और इसी खाब की वजह से वो बार बार पीछे मुड़कर उसे देखता है और उसे देखने में मजबूर होता है और यही खाब हिरन का हौसला और रफ्तार दोनों कम कर देती है, इसलिए हिरन खुद म खुद शेर का शिकार हो जाता है। दोस्तों मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पीछे मुड़कर मत देखिए, अपने सपने पर अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिए, आपके साथ कोई हो ना हो या ना हो खुद पर यकीन कीजिए दोस्तों, एक ना एक दिन आप सक्सेस जरूर होंगे। दोस्तों आप पीछे मुड़ेंगे तो पीछे ही रह जाएंगे, आगे देखेंगे अपने लक्ष्य पर फोकस करेंगे तो सक्सेस होंगे। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी है कमेंट करें, ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।